नमस्कार, गाजीपुर की दिन भर की सबसे बड़ी 5 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं जिले की पहली बड़ी खबर से। रविवार को स्वाभिमान संगठन का एक प्रतिनिधि मंडल नगसर थाना क्षेत्र के नूरपुर गांव पहुंच पुलिसिया बर्बरता का शिकार हुए पूर्व सैनिक अजय कुमार पांडे के परिवार से मुलाकात की। संगठन ने पीड़ितों को भरोसा दिलाया कि पुलिस बर्बरता के खिलाफ न्याय की इस लड़ाई में वो उनके साथ हैं। घटना पर रोष व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर देवेश सिंह ने कहा कि ऐसे बर्बरता से पिटाई करने वाले पुलिस कर्मियों को जिम्मेदार पदों पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। प्रतिनिधि मंडल में मनोज पांडे, अमितेश मिश्रा, दुर्गेश सिंह, अजय सिंह, उपेंद्र सिंह, वीरेश सिंह, नीलेश दुबे, नीतीश दुबे, रणधीर सिंह, निरंजन कुशवाहा, राजकुमार बिंद, सतीश कुमार, विप्लू यादव आदि शामिल थे। शहर कोतवाली क्षेत्र के हमीद सेतु से रविवार के दिन एक युवक ने गंगा में छलांग लगा दी। इस घटना के बाद वहां लोगों की भीड़ लग गई। लोग गंगा में इधर उधर नजर दौड़ाते हुए युवक को तलाशने लगे। लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। युवक के कूदते ही गंगा में मछली मार रहे मछुआरों की नजर उस पर पड़ी। वो नाव तेजी से बढ़ाते हुए युवक की तरफ बढ़े, लेकिन तब तक वो गंगा में समा गया। खोजबीन करते हुए मछुआरों ने शव को बरामद कर बाहर निकाला। इस संबंध में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक दिलीप सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में ले लिया गया है और शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। सोमवार को पड़ने वाले रक्षाबंधन पर्व के मद्देनजर रविवार को लॉकडाउन के दौरान भी शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में राखी और मिठाई की दुकानें खुली रहीं। इन दुकानों पर ग्राहकों की चहल पहल बनी रही। नगर के महुआ बाग, मिश्र बाजार, लंका, स्टेशन रोड सहित अन्य मोहल्लों में राखी की दुकानें सजाई गई हैं। तरह तरह की राखियां तथा मिठाई की दुकानों पर लोग पूरे दिन खरीदारी करते रहे। लड़कियां तथा युवतियां दुकानों पर तरह तरह की राखियों को पसंद कर रही थी। गाजीपुर के देवगली क्षेत्र में सावन मास में ग्रामीण अंचलों में दैवीय आपदा से सुरक्षा के लिए पुजारी सीताराम कुशवाहा के नेतृत्व में रविवार को गाँव के सभी देवस्थल पर पूजन अर्चन किया गया। तत्पश्चात माँ काली के मंदिर पर पियरी, कढ़िया, नारियल, चुनरी, धार, फूल चढ़ाकर गांव की महिलाओं ने सामूहिक रूप से हवन पूजन करने के बाद डीह बाबा के स्थान पर धार पिठार चढ़ाकर समस्त दैवीय आपदाओं से सुरक्षा की कामना की। ऐसी मान्यता है कि सावन माह में पूजन अर्चन करने से दैवीय आपदाओं से पूरे वर्ष तक सुरक्षा मिलती है। पूजन अर्चन करने वालों में निशा मौर्य, लक्ष्मी देवी, उर्मिला कुशवाहा, सेजल, गीता देवी, शांति मौर्य सहित सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया। गाजीपुर के करीमुद्दीनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ताजपुर डेहमा के रानीपुर गांव में रविवार को 12 बजे इब्राहिम मस्जिद के पास वाले तालाब में डूबने से करिश्मा की मौत हो गई। करिश्मा पुत्री सदानंद राजभर दोपहर में अपने सहेलियों के साथ तालाब में नहाने के लिए गई थी। तालाब में नहाते समय पैर फिसल जाने के कारण गहरे पानी में चली गई और खुद को डूबने से बचा न सकी। उसके साथ नहाने गई लड़कियों ने दौड़कर इसकी सूचना उसके घर वालों को दी, लेकिन जब तक घर वाले आते तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। आनन फानन में घर वाले उसे लेकर स्थानीय चिकित्सक के यहाँ गए, लेकिन चिकित्सक ने जांच करने के उपरांत उसे मृत घोषित कर दिया। मौत के बाद से राजभर बस्ती में शोक का माहौल छाया हुआ है। हमारी ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।